हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। दोस्तों, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को पूरे एक साल हो गए हैं और मैंने इसी नवरात्रा में इस चैनल को लॉन्च किया था। तो देखिए दोस्तों, एक साल कैसे हो गया पता भी नहीं चला। और आइए, मेरी एक रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की थी उसको फिर से बनाते हैं, फिर से रिक्रिएट करते हैं थोड़े से ट्विस्ट के साथ। और आइए इसे बनाते हैं, आलू का अचार। और ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू लिए हैं, बेबी आलू, जिनको मैंने छील के बॉईल करके रख लिया है। और यहाँ पे मैंने नवरात्रों के लिए स्पेशल नमक, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, वो लिया है। और इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ये हैं, मैंने लिए 4 हरी मिर्च, 3 इंच का अदरक, 2 नींबू, ये मैंने 2 बड़े नींबू लिए हैं जिनका हम रस निकाल लेंगे, इन दोनों का हम रस निकाल लेंगे, जूस निकाल लेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर भी आधा छोटा चम्मच। अब दोस्तों, हरी मिर्च को हम कट कर लेंगे, बिल्कुल पतला पतला, बिल्कुल बारीक कट करना है, ताकि इसका फ्लेवर आपके मुंह में ज़्यादा आके तीखा ना हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इनको कट कर लिया है। इफ़ आपको इतनी हरी मिर्च इतना तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, आप हरी मिर्च को थोड़ा कम कर सकते हैं। और ये देखिए, अदरक को बिल्कुल हम बारीक बारीक काट लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं काट रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह आपको भी बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा मोटा रखेंगे तो आपको सिर्फ अदरक का ही फ्लेवर आएगा। तो ये बिल्कुल बारीक, देखिए कितना बारीक मैंने इसे काटा है, जितना बारीक आप इसे काट सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अदरक को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, अदरक कट चुका है, हरी मिर्च कट चुका है, नींबू का रस भी मैंने निकाल लिया है, देखिए काफ़ी हद तक अच्छे से नींबू का रस निकल चुका है। और ये देखिए, अदरक बारीक, अदरक मैंने डाल लिया है, बारीक हरी मिर्च डाल ली है। अब इसमें मसाले डालेंगे, इसमें डालेंगे सूखा जीरा पाउडर जिसे मैंने घर में बनाया है, काली मिर्च पाउडर आधा छोटे चम्मच, आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में ऐड करेंगे सेंधा नमक, जैसे कि नवरात्र स्पेशल है और नवरात्र स्पेशल रेसिपी है तो इसमें सेंधा नमक यूज करेंगे। इसमें डालेंगे नींबू का रस और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो दोस्तों, जो मैंने जीरा पाउडर डाला है, जैसे कि मैंने कहा मैंने वो घर में बनाया है, उसे बनाना बहुत ही आसान है। आप तवे पे उसे रोस्ट कर लें जीरा को, और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लें, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और बहुत ही घर का बिल्कुल फ्रेश जीरा पाउडर होगा। पर अगर आप मार्केट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने देखा मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है। इफ़ आप नवरात्रों में हल्दी अवॉइड करते हैं तो आप हल्दी ना डालें बेशक। और ये देखिए, मैंने इसको इस तरह मिक्स करा है ताकि हमारे जो आलू हैं वो टूटे ना। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब दोस्तों, आप इसे तुरंत नहीं खा सकते, इसे करीबन आपको 12 से 13 घंटे रेस्ट करने के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। और ये देखिए, उसके बाद बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। जो मसाले आपने इसमें यूज़ किए हैं, जो हमने मसाले डाले हैं, वो आलू के अंदर तक चले जाएंगे, और जब आप इसे खाएंगे तो ये आपके मुँह में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। और ये देखिए, देखिए कि कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये बनने के बाद। तो दोस्तों, आपने देखा कितना सिंपल है आलू का अचार बनाना, और नवरात्र स्पेशल रेसिपी है तो बहुत ही बढ़िया है नवरात्रों के लिए। दोस्तों, फटाफट से बनती है और 3-4 दिन तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी इजीली बन चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी नवरात्र स्पेशल रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे 70,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, हम बेहद खुश हैं। तो दोस्तों, हमें यहीं पर ही स्टॉप नहीं होना है, इसी तरह आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत ही बढ़िया लगा, 70,000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे दोस्तों, ये सिर्फ आपके सपोर्ट और लव की वजह से हुए हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और आगे भी हम इसी तरह बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इसी तरह डिलीशियस और अमेजिंग रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। इफ़ दोस्तों, अगर आपको कोई चेंज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, पर लाइक और सब्सक्राइब करना आप स्टॉप ना करें।